हेलो एवरीवन, वेलकम टू शादिकाज किचन। आज शादिकाज किचन में मैं आप शादिका आपके लिए लेकर आई हूँ बची हुई रोटियों से, या फिर अगर आपके पास सिर्फ रोटी है और आप अच्छा कुछ खाना चाहते हैं, कुछ चटपटा बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी जिसे मैंने नाम दिया है रोटी नूडल्स का। तो आइए शुरू करते हैं बनाने की विधि फटाफट से। सबसे पहले हम इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले हमें रोटियां लेनी है, इस तरह से रोल करना है। मैंने इसे रोल कर लिया और इसे आप कैंची के सहारे सीजर के सहारे आप इसे से कट कर लेना है, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में। और ये देखिए बिल्कुल नूडल्स की तरह पतले पतले हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे रोटियां कट कर ली हैं। अब एक पैन में हम ऐड करेंगे तेल, आप बटर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ बहुत थोड़ा तेल लिया है और इसे हमें फ्राई करना है। हमें इसे थोड़ा क्रंची कर लेना है, लाइट ब्राउन जब तक ये हो जाते हैं, जब तक हमारी रोटियाँ थोड़ी क्रिस्पी हो जाती हैं तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी रोटियाँ। मीडियम टू लो फ्लेम करते रहें, अगर फ्लेम ज़्यादा हो जाती है तो आप लो कर लें अकॉर्डिंग टू फ्लेम। तो हमें इसी तरह से रोटियों को क्रंची कर लेना है बिल्कुल पेशेंटली। और ये देखिए ये काफ़ी क्रिस्प होने लगी हैं अब, और ये हमारी रोटियां बिल्कुल क्रंची हो चुकी हैं। अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फिर से हम ऐड करेंगे पैन में थोड़ा सा तेल, एक चम्मच तेल, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब इन्हें हम थोड़ा पकाएंगे 1 से 2 मिनट। जब ये 1 से 2 मिनट पक जाएंगे हम इसमें ऐड करेंगे अनियन या कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च जिसे मैंने पतली स्लाइसेस में काट कर ली हैं, इसे हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि हमें इसे स्टर फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम जब थोड़े पक जाएंगे तो बंदा गोभी ऐड कर देंगे, यानी कि कैबेज जिसे मैंने कट कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें अब ऐड कर देंगे नमक। नमक हम थोड़ा बाद में ऐड करेंगे क्योंकि नमक पानी छोड़ने लगेगा, नमक डालने से ये मसाले जो हमारा शिमला मिर्च है, प्याज है, जो भी है, सारे पानी छोड़ने लगते हैं नमक डालने पर, इसलिए हम थोड़ा सा लेट में नमक डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो पाए। अब इनमें हम ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए रोटी और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेजवान चटनी जो सबके पास अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे और कोई भी चटनी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो, या फिर यहाँ पे आप हरी चटनी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सेजवान चटनी यूज़ किया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ स्प्रेड, आप चाहें तो नॉर्मल चीज़ मोज़रेला चीज़ या चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, ऑरिगेनो फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, और इन सबको हमें थोड़ा मिक्स कर लेना है जब तक कि हमारे जो चीज़ स्प्रेड है थोड़े से पिघल ना जाए। फ्लेम मैंने बंद कर दी है क्योंकि ये चीज़ तो चिपक जाएंगे, अभी रोटी गर्म है तो यार आसानी से मिल जाएंगी चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी यहाँ पर फटाफट से रोटी नूडल्स रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फटाफट से ट्राई करें मेरी ये न्यू और यूनिक रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और अगर अच्छी लगती है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, शादिकाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।